हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स आज 11 मई है एंड 11 मई के पूरे अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। सो इसमें जो अपडेट बड़े हैं वो है कि ऑल ओवर इंडिया के जो 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड के पेपर कैंसिल करने चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। साथ ही साथ राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, गुजरात के लिए बड़ी खबर है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, जेई नीट एंड सीईटी के ऊपर भी बड़ी खबर है। तो हम पूरा एक बार चीजें देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी जो एकता है ना वही आपको जिता सकती है। एंड मैंने कुछ दिन पहले से, मतलब लगभग एक या दो हफ्ते पहले से मैंने चालू कर दिया था कि गुजरात के जो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं पेपर कैंसिल करने के लिए, हमने बोला था कि 15 तारीख को हम ट्विटर का बहुत बड़ा मुहिम करेंगे। लेकिन उसके पहले ही अगर देखा जाए ये बातें गवर्नमेंट तक पहुंचने लगी, एकता बनने लगी स्टूडेंट्स में, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम एग्जाम्स के जो डेट है वो 15 के बाद नया करेंगे और फिर बताएंगे। तो वो पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि आपकी एकता ही आपको जिताती है। और ये एक चीज क्यों फैली मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गुजरात के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से शेयर किया था एंड गुजरात के स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया था, इसलिए मेरी बातें फटाफट वहां तक पहुंची थी। दूसरी, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छी खबर है कि सीबीएसई की तरह ही अब राजस्थान गवर्नमेंट भी जो है वो 10th की परीक्षा को रद्द कर सकती है। तो इसका भी अपडेट आपको मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे। एंड सिमिलरली 12th वाले बच्चों लोग के लिए भी बड़ी अपडेट आएगी एक बार जब सीबीएसई वहां पे कैंसिल करता है फॉर राजस्थान के लिए। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके लिए भी यही है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां पे भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, पेपर पोस्टपोन या कैंसिल हो रहा है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जहां पे पेपर कैंसिल नहीं हुए हैं। धीरे धीरे अब इसको बोल दिया गया है कि जो 10th एंड 12th के पेपर कैंसिल नहीं किए जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम यही हो रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है। एंड एक चीज और बता दूं, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक लिंक अगर नहीं भरा है सीईटी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको आप भरिए क्योंकि आज रात के 12 बजे तक ही है, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कल सुबह ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सीईटी होगा या नहीं होगा, लेकिन प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों लोगों के लिए, हमने डिसाइड कर लिया कि 30 मई से हम जो है हमारा ट्विटर पे हम एक मुहिम स्टार्ट करेंगे जहां पे हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई का 1 जून को आने वाला था, हम उसके पहले ही ट्विटर पे 1.5 दिन का मुहिम रहेगा जिसमें गवर्नमेंट को एक आइडिया लग जाएगा हमारे स्ट्रेंथ का। और सारा डिस्क्रिप्शन, आपको जो भी सारे डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीबीएसई के एग्जाम के लिए बच्चों लोगों के अभी भी बच्चे लोग ने चालू कर दिया है इन सभी चीजों को कि सेव द स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 30 मई को होगा और 31 मई को रहेगा वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेल होने वाला है। सो तैयार रहिए स्टूडेंट्स, आपकी एकता देखिए गुजरात में वो चीज दिख रही है आपकी एकता। अब मैं बात करूंगा कि बहुत बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर एमएसटी सीईटी के लिए, जेईई के, नीट के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं एक चीज एकदम क्लियर रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, सीईटी हो या जेई हो या आपका नीट हो, सबका आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो जून एंड या जुलाई के 1st वीक में आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिले है, मैं आपको पहले ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ। सो ये पूरी एक अपडेट थी स्टूडेंट्स, लेकिन जितना हो सके उतना आप यूनाइटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी बातें पहुंचे और हम उस चीज को कामयाब हो। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है गुजरात का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।